मित्रों नमस्कार। कोविड-19 के इस तीसरे लॉकडाउन के चरण में मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। यूं तो मैं आपसे बात करता ही रहा हूँ, अलग अलग समूहों से, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग व्यक्तियों से और सामाजिक कार्य में जुड़े हमारे सभी समूहों से मैं समय समय पर बात करता रहा हूँ। मित्रों, जब ये लॉकडाउन शुरू हुए थे तो हमें अनुमान नहीं था कि हमें कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी और समाज को भी किस तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे सभी आईसेक केंद्रों ने, आईसेक एम्प्लॉयज़ ने, आईसेक के अलग अलग डिविजन्स ने, आईसेक के विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और लगभग सभी लोग सामाजिक कार्य में जुड़े रहे हैं। हमारे सभी कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया। हमारे यहाँ गुरदासपुर से, जबलपुर से, जगदलपुर से, नारायणपुर से और बहुत सारे स्थानों से सामाजिक कार्य करने की, जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें सामान लोगों को प्रदान करना और इस तरह के बहुत सारे रिलीफ करना, टेस्टिंग में मदद करना, ऐसे काम करने की सूचनाएं आई हैं जो समय समय पर हम अपने फेसबुक पर भी डालते रहे हैं। एक बड़ा काम हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन डिवीजन के बैंकिंग की ओर से किया, वो इस पूरी महामारी के दौरान अपने अपने स्थान पर लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम करते रहे हैं, जो एक बड़ा काम था और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। हमारे सभी विश्वविद्यालयों ने भी अपने तौर पर अपने क्षेत्र में रीफ का काम किया। हजारीबाग में जो हमारा विश्वविद्यालय आईसेक यूनिवर्सिटी है, आईसेक यूनिवर्सिटी ने एक दाल भात केंद्र का भी संचालन किया और वो लगातार 200, 250, 300 लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। ये सब पुण्य के काम हैं और इस समय इन्हें किया जाना बहुत ज़रूरी था। हमारी जो सामाजिक दायित्व है उसके अनुसार भी हमें इन्हें किया जाना चाहिए था। एक जो दूसरा पक्ष हमारे संस्था का रहा है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारे सभी विश्वविद्यालयों की सारी फैकल्टी ने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू किया। हमारे कंटेंट बनाने वाली टीम ने कंटेंट बनाने में तेज़ी लाई। हमारे जो मूक्स की और कंटेंट की टीम है उसने उसको भी ऑपरेशनलाइज करने की बड़ी कोशिश की है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमारे छात्रों के हित में हमारी फैकल्टी ने लगातार काम किया है। हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई बंद नहीं हुई, वो लगभग ऑनलाइन मेथड से चलती ही रही है और अब धीरे धीरे उसमें और सुधार आ रहा है। हमारे कुछ विश्वविद्यालय जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल और सीवी रामन विश्वविद्यालय बिलासपुर तो लगभग पूरे डिजिटल विश्वविद्यालय होने की कगार पर हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि वो हो ही गए हैं और सारे ये एडमिशन प्रोसेसेस, एग्जामिनेशन, कंटेंट डिलीवरी उसमें ऑनलाइन हो रही है। अभी यूजीसी ने ये फैसिलिटेट किया है कि नए लोगों का एडमिशन जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगा और अगस्त से उनका सेशन शुरू होगा। जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका सेशन और परीक्षा जुलाई से होगी। हमारे जो दूरवर्ती शिक्षा के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन जून के सेकेंड हाफ में होगा। इस तरह हमारे छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके करियर के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और अपने काम को डिजिटल माध्यम से अंजाम दे रहे हैं। उनकी पढ़ाई में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी परीक्षाएं समय पर होंगी और उनके नए एडमिशन्स भी यूजीसी द्वारा बताए गए कैलेंडर के अनुसार होंगे। जहाँ तक हमारे सेंटर्स का नेटवर्क है उनको भी डिजिटल माध्यमों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे लगभग 20 स्किल के प्रोग्राम ऑनलाइन डिलीवरी के लिए तैयार हैं और हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, हमारे स्किल के सेंटर्स, हमारे पीएम के वीवाई के सेंटर्स,
इन सारे सेंटर्स को डिजिटल माध्यमों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक जो बहुत अच्छा काम हुआ है वो ये भी ये है कि हमारा जो एडवांटेज का सॉफ्टवेयर था, यानी जो हमारा स्कूल सॉफ्टवेयर था, अब वो ऐप बेस्ड हो गया है, उसके लिए ऐप डेवलप कर दिया गया है और हम प्ले स्कूल्स को भी, K-12 यानी K1 to K-12 की क्लासेस को भी और इन सभी स्कूल को एडवांटेज के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अपना एजुकेशनल कंटेंट प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारे इस बीच के कुछ काम रहे, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, आपसे रेखांकित करूं। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद आपकी संस्था अपनी जगह पर खड़ी हुई है। आप सबकी मदद से हम लोग इस संकट से पार पाएंगे और निश्चित ही कोरोना को हराएंगे। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपना समय कैसे गुजारते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार काम में लगा रहता हूँ। सुबह थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद में दोपहर में 11 से लेकर लगभग 3 बजे तक मैं विभिन्न समूहों से बात करता हूँ। हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग भविष्य का काम सोचते हैं, अभी के काम को स्ट्रीमलाइन करते हैं। उसके बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा लिखने पढ़ने का काम करूं और शाम को थोड़ा बच्चों के साथ खेलता हूँ, कभी कभी फिल्म देखता हूँ और एक किताब का मैंने इस बीच में अनुवाद किया है जो बहुत ही रोचक किताब है, दिलचस्प किताब है, तो आपको पढ़ने मिलेगी। कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं और इस तरह शाम का जो अपना काम है वो मैं स्वयं के लिखने पढ़ने पर केंद्रित करता हूँ और दिन में सारे लोगों से बातचीत होती है। ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, कई वेबिनार हम लोग अटेंड करते हैं। इस समय पूरे विश्व में भविष्य के समाज पर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि भविष्य का समाज एक नई तरह का समाज होगा और कोरोना के बाद हमारे जो संस्थान है, ये हमारा नेटवर्क है, ये एक नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करेगा। ये समय तैयारी का समय है और मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अपने दिमाग को चेतन रखें, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें और कोरोना को हराने के लिए प्रण करें। आप बिल्कुल भी निराश न हो, हम लोग नई सेवाओं के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए युग में कोरोना के बाद प्रवेश करेंगे और निश्चित ही कोरोना को परास्त करेंगे, हमारी संस्था और आगे जाएगी। इसकी उम्मीद के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, जब भी मुझे लगेगा या अवसर मिलेगा तो आपसे बात करने एक बार फिर आऊँगा। आप सबको नमस्कार, शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।